गाइस तो आपको बता दें, यूपी में एक और बम्पर भर्ती आ गई है। ये गाइस आपको बता दें कि एक और बम्पर भर्ती आई है, तो ये काफ़ी आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि एक और भर्ती आ गई है। तो यहाँ बता दें, योगा टीचर जॉब जो है कि इसका भी डेट जो है कि अभी लगभग 8-10 दिन का डेट इसमें भी आ गया। फॉर्म जल्द से जल्द इसको भर दीजिए। योगा टीचर जो कि इसका वैकेंसी आज हम उसकी एलिजिबिलिटी, फीस क्राइटेरिया और कैसे आप अप्लाई करेंगे फॉर्म को, इसका फीस क्या होने वाला है, कितना आपको सैलरी मिलेगा और कितने लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितना फॉर्म आया, जिसको सब आपको एकदम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। तो योगा टीचर जॉब वैकेंसी लेटेस्ट जॉब ये गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं बता दूँ आपको इसी के बारे में बताना है, योगा टीचर जॉब के बारे में। तो आप वीडियो बना रहे हैं लास्ट तक। आपको बता दें कि 5 लाख वैकेंसी आई थी जब योगी जी ने इसको लॉन्च किया था। तो अभी देखना आप कितनी वैकेंसी को पूर्ण रूप से भर सकते हैं यहाँ पे। आप वीडियो बना रहे हैं लास्ट तक। तो मैं पूरा डिटेल देने वाला हूँ इसके बारे में कि योगा टीचर जॉब इन उत्तर प्रदेश। जी हाँ गाइस, आपको बता दें डी जॉब स्पीकर गुड अपॉर्चुनिटी, तो एक बहुत ही अच्छी जॉब है। आप बताते हैं जो कि 5 लाख वैकेंसी दिए थे, लेकिन अब इसमें कितना सक्सेस हो पाता है तो वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं, 5 लाख दिए थे, यहाँ आपको लिखा हुआ है। फिर उसके बाद गाइस आपको बता दें, आपका डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए और अगर आप ग्रेजुएशन है तो भी सही है। जॉब हंटर है वे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दें क्या है। आपको ग्रेजुएशन या फिर कोई डिप्लोमा इंटर के बाद होना चाहिए आपका, 1 ईयर 2 ईयर किसी भी। तो आपको बता दें, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कैन गिव ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर टेकिंग गवर्नमेंट जॉब इजली। पोस्ट नेम योगा टीचर है, योगा टीचर के लिए आप अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट दिए थे 5 लाख। गाइस तो ऑफिशियल वेबसाइट upnet.government.in है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इजली। और आपको बताते हैं इसके बारे में, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा आपका। तो मैं जैसा कि बताया था अभी आपको, इसके पहले ही बता दिया, ग्रेजुएशन चाहिए और डिप्लोमा अगर हो तो भी देखिए, मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे दिया है ना। हैविंग ए कोर सर्टिफिकेट या फिर मिनिमम 1 ईयर का अपना योगा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। और आपको एज लिमिट के बाद बता दूँ, एज लिमिट क्या होगा, तो एज लिमिट जो है कि मिनिमम एज मस्ट बी 18 ईयर और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपका ज़्यादा से ज़्यादा 40 होना चाहिए। कम से कम 18 से 40 के बीच आप होने चाहिए, 18 साल से 40 साल के बीच आप होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज रिलेक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड एज गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट का जैसा रूल है आप जानते हैं कि SC ST के लिए कुछ छूट मिलता है, आपको पता होगा ये चीज़, SC ST के लिए और OBC वर्ग के लिए और जो कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तो इन सब के लिए कुछ अलग ही छूट मिलता है। तो ये आप गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको डिसाइड करती है गाइस। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो होना चाहिए आपका, और जहाँ के आप हों आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपका आपका क्या क्या चीज़ लगेगा वो आपको बता दें, पर्सनल मस्ट बी क्लीन रिकॉर्ड, नो क्रिमिनल केस आपका, आपके पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो कि आप किसी की हत्या की, ऐसा कोई केस नहीं चलेगा इसमें। आप बिल्कुल एक सीधे साधे एक अच्छे हों तभी आपका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आप मेंटली अच्छे हों, फिटनेस में अच्छे हों, क्योंकि योगा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो योगा टीचर की सैलरी बता दें आपको, इम्प्रेसिव सैलरी मिलती है, लगभग 30 हज़ार के ऊपर ही मिलेगी सैलरी की बात करें तो वहाँ पर डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन लेटेस्ट जॉब, तो इसको आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं उसी वेबसाइट पर जो बताया था। तो धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना।